काटो नहीं किसी पेड़ को बबूल हो या चंदन, काटो नहीं किसी पेड़ को बबूल हो या चंदन। आंचल गार्डन चैनल में आप सभी का अभिनंदन अभिनंदन। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप होली का त्यौहार आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से और सुरक्षित ढंग से मनाया होगा। आज मैं आप लोग के साथ ये अपने प्लांट्स शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स, जिसे मैंने कल भिलाई से ख़रीदा है। मैं अपनी छोटी बेटी को छोड़ने गई थी कल, वो वहीं रहकर स्टडी करती है, उसका एग्ज़ाम आज से शुरू हुआ है फ्रेंड्स, तो मैं उसे कल छोड़ने गई थी। तो हम लोग कार से गए थे फ्रेंड्स, तो मैं उसका लाभ ज़रूर उठाई हूँ। ये सारे प्लांट्स मैंने ख़रीदे हैं कल, होली शॉपिंग भी हो गया और मेरी बड़ी बेटी का 9 मार्च को बर्थडे था, तो उसका बर्थडे शॉपिंग भी हो गया। इतना दूर से प्लांट लाना बस में थोड़ा मुश्किल हो जाता है फ्रेंड्स, और ख़ुद की गाड़ी करके यदि जाओ तो आसानी से हम बहुत सारे प्लांट्स खरीद कर ला सकते हैं। तो मैंने समय का बहुत ही लाभ उठाया कल, तो ये सारे प्लांट्स मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले तो आप लोग देखिए ये रोज़, मैं इनका मूल्य भी बताऊंगी फ्रेंड्स। ये मैंने रोज़ प्लांट ख़रीदे हैं 5, ये बहुत दिन से मुझे चाहिए था फ्रेंड्स, टाइगर रोज़, नर्सरी वालों ने इसे टाटा रोज़ कहा। और ये देखिए फ्रेंड्स कितना खूबसूरत, ये पूना वैरायटी है और मैंने कलकत्ता वैरायटी भी लिया है। पूना वैरायटी में मिट्टी की मात्रा बहुत होती है फ्रेंड्स, ये देखिए इसमें बहुत चिकनी मिट्टी लगी हुई है। और ये एक कलर ये लिया है मैंने, और ये वाला, और ये बटन रोज़, उन्होंने इसे कश्मीरी रोज़ कहा है फ्रेंड्स, लेकिन मुझे लगता है ये बटन रोज़ भी होगा। अब गुलाबों के बारे में उतना, नाम के बारे में मुझे उतना आइडिया नहीं है फ्रेंड्स। ये बंचेस में फ्लावर्स आते हैं, ये देखिए कितने, तो ये तीन वैरायटी पूना वैरायटी वाला है। और ये देखिए फ्रेंड्स ये कितना खूबसूरत है, ये कलकत्ता वैरायटी का है। इसमें देखिए राइस हस्क बहुत रहता है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा मात्रा में राइस हस्क मिलाते हैं। और आपको एक और दिखाती हूँ कलकत्ता वैरायटी का, ये देखिए ग्राफ्टेड है, एक ही प्लांट में दो कलर के हैं। ये देखिए ये लाइट पिंक है और ये मैरून कलर है, और एक ही प्लांट है फ्रेंड्स। ये देखिए ग्राफ्टेड वाला है, मैं आपको दिखाती हूँ अलग से। ये देखिए बहुत ही सुंदर, बहुत दिनों से मुझे ये टाइगर रोज़ लेना था और हमारे यहाँ नर्सरी वाला जो आता है उसके पास ये नहीं रहता। तो ये जो कलकत्ता वैरायटी है वो मुझे 40-40 रुपए में मिला है फ्रेंड्स, और ये पूना वाला जो है वो 70-70 रुपए में मुझे मिला है। तीन प्लांट मैंने 70 रुपए का लिया है और दो प्लांट कलकत्ता वाला 40-40 रुपए में, और दो प्लांट मैंने कैलेंचो का लिया है फ्रेंड्स। ये देखिए ये ऑरेंज कलर का और ये येलो कलर का, ये भी मुझे 50-50 रुपए में मिला है। प्लांट छोटे हैं इसलिए नर्सरी वाले ने इसे 50 में दे दिया, और इसी का जो बड़ा प्लांट था उसको उन्होंने 120 रुपए बोला, तो मैंने उसे नहीं लिया फ्रेंड्स। इसको मैं बड़ा कर लूँगी नेक्स्ट ईयर, ये बहुत ही बूशी हो जाएगा। और उसके बाद ये हैंगिंग प्लांटर में लगाने के लिए मैंने इसे लिया है, इसका नाम मुझे नहीं मालूम, यदि आप लोग को मालूम हो तो ज़रूर बताइएगा। इस तरह के फूल आते हैं ब्लू कलर के, और दो कोलियस मैंने लिए हैं फ्रेंड्स। ये देखिए एक कोलियस ये है और एक ये कोलियस, ये भी 30-30 रुपीज़ में उन्होंने दे दिया मुझे। और ये भी प्लांट मुझे बहुत ही पसंद आया, इसके लीव्स देखिए फ्रेंड्स कितने खूबसूरत हैं। नर्सरी वाले भैया ने कहा है कि इसमें फ्लावर्स भी आएंगे, तो मैंने इसे भी ले लिया, ये भी 30 रुपीज़ का है। और एक लेंटाना भी लिया है मैंने, देखिए ये वाइट कलर का लेंटाना है, मेरे पास ये नहीं था। मेरे पास तीन कलर केवल लेंटाना है फ्रेंड्स, येलो, रेड और एक मिक्स कलर, और ये वाइट कलर का नहीं था तो मैंने इसे भी ले लिया, इसको भी 30 रुपीज़ में दिया है। और ये भी 30 रुपीज़ का है ये वाला प्लांट। और ये मॉस रोज लिया है मैंने 10-10 रुपीज़ में,
ये तीन कलर हैं यहाँ पर, और इसमें दो कलर के प्लांट मिल गए मुझे, तो 10 10 रुपीस का ये है फ्रेंड्स। और जहाँ मेरी बेटी रहती है पीजी में, वहाँ ये प्लांट लगा हुआ था यूफोर्बिया मिली का, तो इसको भी मैंने कट करके ले आया फ्रेंड्स। ये देखिए, इस कलर का यूफोर्बिया मिली मेरे पास नहीं था, मेरे पास जो है वो रेड कलर का है, तो इसको भी मैंने ले आया। और कोचिया मैंने लिया है फ्रेंड्स 5 5 रुपए का, 4 प्लांट। और एक बेबी सनरोज भी ले लिया फ्रेंड्स 30 रुपीस में, उसने इसको भी दिया है। और साथ में नर्सरी वाले भैया से मैंने ये 9 o'clock के कटिंग मंगे, तो वो मुझे दे दिए। मैंने बहुत सारे प्लांट परचेस किए उनसे, तो ये उन्होंने मुझे दे दिए कट करके। और ये खूबसूरत प्लांट्स दिखाती हूँ फ्रेंड्स मैं, देखिए ये फ्लॉक्स का कितना खूबसूरत, इसके फूल देखिए आप, बहुत ही सुंदर, ये मुझे बहुत पसंद आया, इसको भी मैंने ले लिया 40 रुपए में। और ये देखिए 60 रुपीस का ये टिकोमा है, ये देखिए इसके फूल, मेरे पास जो है वो ऑरेंज कलर का टिकोमा है फ्रेंड्स। और ये मुझे मिल गया येलो कलर का, मुझे लेना भी था, तो ये टिकोमा मुझे 60 रुपए में मिला है। और मैंने बोगनविलिया भी लिया है, 50 रुपए का है ये, और ये देखिए वाइट कलर का है। मेरे पास ऑरेंज और डार्क पिंक कलर का में है फ्रेंड्स बोगनविलिया, और इसको मैंने लिया है, ये देखिए बहुत ही सुंदर। और ये सिल्वर डस्ट देखिए, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा, सिल्वर डस्ट भी मैंने लिया है, ये 30 रुपीस का है। और दो हिबिस्कस लिया है फ्रेंड्स मैंने, गुड़हल का प्लांट, कल ये खिला हुआ था, आज ये मुरझा गया है। ये ऑरेंज कलर का है और बीच में येलो कलर के शेडेड हैं इसमें, और ये येलो कलर का है और बीच में ऑरेंज कलर के शेडेड है फ्रेंड्स। तो ये दो दो प्लांट मुझे नर्सरी वाले भैया ने 50 50 रुपए में दिया, 100 100 रुपए के 2 प्लांट। और ये मुझे एरिका पाम लेना था फ्रेंड्स, बहुत सारे एरिका पाम मैंने देखे वहाँ, तो वो सारे ऊंचे ऊंचे थे प्लांट, लंबे लंबे, और लाने में थोड़ा दिक्कत होता दूर से, तो मैंने छोटी वैरायटी वाला बोला, तो भैया ने ये मुझे दे दिया फ्रेंड्स। इसको भी उसने एरिका पाम कहा है, ये छोटी वैरायटी वाला एरिका पाम है बोले। देखिए फ्रेंड्स इसमें 6 प्लांट हैं, ये देखिए, इसको भी उन्होंने मुझे 60 रुपीस में दिया है फ्रेंड्स। और जो लंबे वाले एरिका पाम थे उसको उन्होंने 120 रुपए बताया, तो मैं ये वाला प्लांट ले आई। अब देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार से मेरी शॉपिंग हुई है, लगभग 1000 रुपीस की मैंने शॉपिंग की है फ्रेंड्स प्लांट्स की। और मैं धीरे धीरे इसे रिपोर्ट करूंगी फ्रेंड्स, स्कूल भी जाना होता है मुझे 10 से 4, और अभी सुबह के 6 बजे हैं, आज 12 तारीख है फ्रेंड्स मार्च की। और जब भी मुझे समय समय मिलते जाएगा मैं इनको रिपोर्ट करते जाऊंगी, कुछ को मैं हैंगिंग बास्केट में लगाऊंगी फ्रेंड्स। तो कैसी लगी फ्रेंड्स मेरी शॉपिंग, आप लोग ज़रूर बताइएगा। ओके फ्रेंड्स, मेरी शॉपिंग अच्छी लगी, मेरे प्लांट्स अच्छे लगे, तो ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, और मेरे प्लांट्स को देखिए फ्रेंड्स सुबह सुबह, ये सारे प्लांट्स, और कुंदा कुंदा में देखिए कितना खूबसूरत फ्लावर्स आ रहा है। एडेनियम में भी न्यू न्यू शूट्स निकल रहे हैं फ्रेंड्स, मैंने कटिंग किया हुआ था तो। और मैं आपको एक और दिखाती हूँ, ये कितना खूबसूरत देखिए, इस तरह के जो सीन होते हैं फ्रेंड्स मन को बहुत ही आकर्षित करते हैं, सुकून पहुंचाते हैं। देखिए भौरा कितना अच्छे से फूलों का रस ले रहा है सुबह सुबह, ये देखिए फ्रेंड्स वो उड़ गया। ओके फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें मुझे। थैंक यू, हैप्पी गार्डनिंग, बाय।